नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। मैं हूँ आरशी। अमेरिका के लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाली एक और गैंग के दो सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। इनके पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ जिसमें 2 लाख अमेरिकाई लोगों के डेटा मिले हैं। इससे पहले काकादेव क्षेत्र से भी इसी तरह का गैंग पकड़ा गया था। देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर में इन दिनों कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशों से ठगी करने का कार्य किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही काकादेव से संचालित एक कॉल सेंटर को पकड़ा गया था जिसमें अमेरिका के नागरिकों को बग के माध्यम से एंटीवायरस बेचने द्वारा लोगों से ठगी करते थे। वैसे ही एक और कॉल सेंटर को नौबस्ता पुलिस ने पकड़ा है। ये लोग अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करते थे। गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। इनके पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है जिसमें 2 लाख अमेरिकी लोगों का डाटा भी मिला है। ये दोनों ही अमेरिकी लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। ये लोग फराटेदार अमेरिकी अंग्रेजी बोलकर अमेरिकी लोगों को फंसाते थे और क्वीन स्विच ऐप और वजीर एक्स ऐप के बिटकॉइन से पेमेंट लेते थे और कुछ पेमेंट गिफ्ट वाउचर के माध्यम से भी लेकर के लोगों से ठगी करते थे। एक थाना नौबस्ता में हंसपुरम एरिया में एक मकान में कॉल सेंटर चल रहा था जो कि यूएस सिटीजन से लोन के नाम पे, होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। वो एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है। इसमें मेन जो हैं 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रवि शुक्ला है और दूसरे विशाल सिंह हैं। ये दोनों इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। इसमें जो यूएस सिटीजन्स थे इनके साथ ये फ्रॉड करते थे। उनको कॉल करवाते थे यहाँ पे। जो भी बंदा कॉल सेंटर से कॉल करता है उसको चेजर बोलते हैं। जितनी भी कॉल्स होती थी वो VOIP कॉल्स होती थी, इंटरनेट के माध्यम से वो कॉल की जाती थी। इसमें कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं और सिस्टम्स में भी डायलर्स होते हैं जैसे कि सोनोटेल है, X10 है, X-Lite है। इसके माध्यम से ये US सिटीजन्स को कॉल करते थे और फिर उनको लोन के नाम पे झांसा देते थे। इनके पास एक रिटर्न स्क्रिप्ट होती थी जिसकी ट्रेनिंग जो कॉलर्स होते थे उनको दी जाती थी कि आपको इस एक्सेंट में बोलना है और ऐसे करके इन US सिटीजन्स को फंसाना है। उसके बाद जब अगला जो US सिटीजन कन्विंस हो जाता था तो उसको प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे पैसे लिए जाते थे वो $300 से $800 तक ये चार्ज करते थे। जब प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे इनको पैसा मिल जाता था फिर ये उनको फाइल क्लोज करने के नाम पे भी फ़ीस लेते थे। लोन के इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ फ़ीस उनसे लेते थे। कुछ फ़ीस ये जो 2% जो फाइल क्लोज करने के नाम के लेने के बाद अगर ये सारे प्रोसेस में वो पैसे जमा करता रहता था तो इनको पेमेंट आती रहती थी। अगर उसको ये शक होता था कि ये मेरे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है तो वो जितनी पेमेंट कर देता था उसके बाद उसके नंबर को ये ब्लॉक कर देते थे। कुछ लोग इनको जब कॉल करते थे और ये कहते थे कि सर हमारा हमें लोन नहीं लेना है, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैंसिलेशन के नाम पे भी उनसे ये डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो पेमेंट लेने का तरीका था ये 3 माध्यम से ये पेमेंट लेते थे। एक वायर ट्रांसफ़र के माध्यम से जिसमें कि US का कोई अकाउंट होता था उसके माध्यम से पैसा आता था। दूसरा ये गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लेते थे जैसे कि अमेजोन का गिफ्ट कार्ड हो गया, ईबे कंपनी का, वॉलमार्ट का। उन ईबे और इनके जो गिफ्ट कार्ड्स होते थे उनको एनकैश करने के लिए एक नोएडा का एक बंदा था, वेंडर था, उसके माध्यम से ये उनको एनकैश करवाते थे। और तीसरा ये बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके माध्यम से भी पेमेंट्स लेते थे। इसके लिए इन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन में वजीर एक्स और एक क्वाइन स्विच ऐप है वो डाउनलोड कर रखी थी जिसके माध्यम से ये पेमेंट्स लेते थे। अभी तक इनके कुछ अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। अभी तक की जानकारी में जो बिटकॉइंस में पेमेंट ली है वो 5 से 7 लाख रुपए ली है। बाकी जो गिफ्ट कार्ड और अन्य माध्यम से जो पेमेंट्स ली हैं उसका हम डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जैसे डिटेल आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो वहीं पकड़े गए आरोपियों का कहना था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ इस तरह से कुछ कार्य भी होता है। और आरोपी का ये भी कहना है कि हम पढ़े लिखे हुए हैं और दिल्ली से हमें इस कार्य को करने के लिए कहा गया। आरोपियों का कहना था कि हमें इसका बहुत अफसोस है और कानपुर में इस तरह के 4 से 5 और कॉल सेंटर संचालित हो रहे हैं। हम लोग नहीं करते थे, दिल्ली में एक बंदा रहता था उसने हम लोगों से करवाया। हम लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था। सब शर्म लिया है, सब कुछ है, पढ़े लिखे सब कुछ है। अफसोस है, बहुत ज्यादा है अफसोस इस चीज का। क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे हैं तो
हम लोग तो 3 साल से कर रहे हैं, हम 4 साल से कर रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं था, नहीं तो हम क्यों करते इतना। क्या बताया था कानपुर में चल रहे हो, दिल्ली वाले लड़के क्या बताया था तो इस तरह के रैकेट क्या दिल्ली में चल रहे हैं आप? कानपुर में बहुत सारे चल रहे हैं यहाँ तो, जितने चले होंगे लगभग आपके हिसाब से कानपुर में रेड सुने थे तब से कर रहे हैं। क्या पुलिस पकड़ती नहीं है, क्या पुलिस तक पहुँच नहीं, क्या लगता है? आओ तो यार कहाँ का चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक कॉल सेंटर को पकड़ा गया था जिस पर अमेरिकी नागरिकों को टारगेट किया जाता था। उस पर कई सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे काम करते थे जिनका काम सिर्फ एंटीवायरस के थ्रू अमेरिकी नागरिकों को फंसाना था। उसी कड़ी में आज फिर कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसे कॉल सेंटर को पकड़ा गया है जो 6 महीने से चल रहा था, जिसपे दो यंग पीढ़ी के नौजवान जिनकी उम्र महज 28 से 30 साल के करीब होगी, वो इस गैंग में पकड़े गए हैं। इस गैंग का काम ये था कि अमेरिकी नागरिकों को लोन दिलाने के बहाने उनको ठगी करता था। तो कहीं ना कहीं कोरोना के पीछे का भी कारण इसे बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते थर्ड वेव के बाद में कई ऐसे यंग लोग हैं जिनकी, कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं और एजुकेटेड वो हैं और उनको मालूम भी नहीं होता है वो इस तरीके से कॉल सेंटरों में कार्य कर रहे होते हैं। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने यही कहा कि हम इस कॉल सेंटर में काम ज़रूर कर रहे थे लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये इस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से कार्य करता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्रल गुप्ता, न्यूज प्लस, कानपुर। यातायात पुलिस कमिश्नरेट एवं कानपुर नगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बड़े चौराहे पर संयुक्त जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में लोगों को पैम्पलेट देकर ई चालान संबंधित नियम व प्रक्रिया के लिए जागरूक भी किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जनपद न्यायाधीश साहब के निर्देश में और हमारा सीपी सर के निर्देश में एक जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। ये जो संयुक्त कार्याचरण का अभियान एक चल रहा है, ई चालान ऐप जो है उसका उसके संबंध में जो भी कार्य योजना है और पहले जो एमवी एक्ट के तहत जो दंड होते थे और अभी जो नए दंड में कितना अंतर है उसको लोगों में उसके बारे में जागरूकत करना, और इस कैंपेन का एक और मुख्य उद्देश्य है कि उस दंड का वो मतलब दंड ना पाए, नियम उल्लंघन ना करें और नियमों का अनुपालन करें। इसी के लिए एक कार्याचरण जॉइंट संयुक्त कार्याचरण का आयोजित किया गया। इसमें हम आभारी है, जज साहब मैम भी आई है, मैम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का सेक्रेटरी भी है और मैम ने मतलब एक कम्प्लीटली पहले से कोऑर्डिनेट करते हुए इस अभियान का एक आयोजित करने के लिए हमारा बहुत साथ दिया है और हम भी साथ में मिलकर कार्याचरण किए हैं। देखिए, जो गलत चालान मतलब अगर कुछ छू की वजह से कुछ चालान हो गया, जैसे मतलब हमारा सॉफ्टवेयर अगर नंबर करेक्ट रीड नहीं करती है तो वो हमें इधर व्हाट्सअप के थ्रू, हमारा नंबर तो सबको 574 नंबर है, उस पर भेज भी सकते हैं या हमारे कार्यालय में आके प्रार्थना पत्र दे। हमारा क्वालिटी कंट्रोल टीम भी है, हम भी कुछ देखते हैं, अगर उसमें गलती पाया जाता है तो निरस्त हम तुरंत निरस्त कर दें। जागरूकता बढ़ेगी, जैसे आप देखिए अभी बड़ा चौराहा हमने इसलिए चुना, बड़ा चौराहा एक स्मार्ट चौराहा है, बड़ा चौराहा पे जितने भी चारों दिशा है सब पे स्मार्ट चौराहा वाला जो फ्लेक्सी बोर्ड है वो बने हुए हैं और लोग देखिए अभी भी जब हमने बांटे थे सभी लोग स्टॉप लाइन के पीछे खड़े हो रहे हैं। ये तो यही बड़ी बात है कि लोगों को ये पता नहीं है कि कहाँ पर उनको रुकना है। सभी लोग पहले रुकते थे जिब्रा क्रॉसिंग पे, अभी देखिए सारे पॉइंट्स पे, और हम यही अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमेशा हमारा मतलब ये साथ देते रहे और जागरूकता जो हम अलग अलग अभियान निकाल रहे हैं उसका कवरेज करते रहे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज प्लस के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस, न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।